हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे भौतिक राशियां और उनकी मात्रा क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, वे सभी राशियां जिनको मापा या तौला जा सकता है। दैट क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। तो भौतिक राशियों को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और व्युत्पन्न राशियों को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। मूल राशियां क्या होती हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होती है। इनको किसी दूसरे राशियों की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ये सभी मूल राशियां फंडामेंटल यूनिट होती हैं। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? जो मूल राशियों यानी फंडामेंटल विच कैन बी रिप्रेजेंट एज विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। वे सभी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है या दर्शाई जाती है, वे सभी राशियों को मूल व्युत्पन्न राशियां कहती हैं। तो इसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसे बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए, हम आपको बताएंगे मूल राशियां क्या है। तो मूल राशियां कुछ सात प्रकार की होती है और ये अनगिनत होती है व्युत्पन्न राशियां, क्योंकि इन्हीं की सहायता से व्यक्त की जाती हैं। जैसे मूल राशियां, एक तरफ मूल राशियां लिखते हैं, उनके मात्रा लिखते हैं। ये कुछ सात प्रकार की होती है, तो इनको सब लिखते हैं वन बाय वन। जैसे द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप, अब इसके बाद विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये सात है। अब देखिए, इनका मात्रक द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, लंबाई का मात्रक मीटर, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अब इसके बाद इनके विमीय मान देख लेते हैं। विमाएं क्या होती हैं? जो मूल मात्रक जो होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए जो उनके ऊपर घात लगाई जाती है, उसी को बोलते हैं विमाएं या डायमेंशंस। विमाएं जैसे द्रव्यमान को लिख सकते हैं कैपिटल एम, इस तरह से ऐसे ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। समय टी होता है, लंबाई को एल लिखते हैं, फिर ताप को थीटा लिखते हैं और एम्पियर को ई लिखते हैं और मोल को कुछ नहीं लिखते हैं, या एन भी लिख सकते हैं, कैंडेला को भी कुछ नहीं लिखते हैं। और इसके अलावा दो प्रकार की और होती है, जिसे बोलते हैं पूरक मूल राशियां। पूरक मूल राशियां दो प्रकार की होती हैं, जैसे होता है समतल कोण, जिसे बोलते हैं प्लेन एंगल, और एक होता है घन कोण, जिसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। देखिए, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। आपने पढ़ा होगा जैसे कि कोई 30 डिग्री है, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 30 चक्र, तो पाई बाय 6 आता है, तो रेडियन एज सी लिखते हैं इस तरह से। तो रेडियन, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब ये होता क्या है, जैसे मान लिया ये वृत्त है, वृत्त का जो चाप, ये जैसे कि इतना चाप ले लिया, इतना चाप जो केंद्र पर जो कोण बनाता है
ये इसके केंद्र पर जो कोण बनाता है वही थीटा होता है, समतल कोण। लेकिन अगर यही अगर बॉल वगैरह ले ली, जो 3D फिगर होती है, जो 3D फिगर होती है, जैसे बॉल हो गई, ये बॉल की जो सरफेस है, ये पूरी सरफेस केंद्र से जो एंगल बनाएगी वो जो थीटा होता है उसे लिखते हैं डी ओमेगा। ये होता है स्टेरेडियन। अब हम आपको बताएंगे व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। वे सभी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशियों जैसे मान लिया जाए क्षेत्रफल रहेगा, क्षेत्रफल एरिया, एरिया को क्या कहते हैं, लंबाई गुणी चौड़ाई। इसका मात्रक क्या होता है, आप मात्रक लिख देते हैं। पहले तो सब पूरे फॉर्मूले देते हैं, जैसे आयतन, वॉल्यूम, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, और इसके बाद चाल, दूरी बटे समय। ये चाल का भी फार्मूला होता है, वेग का फार्मूला होता है। इसके बाद हम बोलते हैं त्वरण, त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। इसके बाद त्वरण हो गया, और इसके बाद हम बल का फार्मूला लिखते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब इनकी मात्रक भी देख लेते हैं, जैसे देखिए लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, ये दूरी के मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आयतन हो जाएगा लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, तो इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, और इसका भी मात्रक मीटर, तो ये पूरा हो जाएगा मीटर क्यूब। और घनत्व होता है किलोग्राम बटे आयतन यानी वॉल्यूम को लिखते हैं, जैसे आयतन है आयतन को मीटर क्यूब लिखते हैं। और इसके बाद दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। त्वरण को वेग परिवर्तन, वेग का मात्रक, जो चाल का मात्रक होता है वेग का मात्रक होता है। अंतर ये होता है कि चाल एक सदिश राशि है, वेग है अधिक, सॉरी चाल अधिश राशि है, वेग सदिश राशि है। तो वेग होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड, और इंटू अपॉन में क्या है सेकंड, तो यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर सेकंड सेकंड का गुणा हो जाएगा। बल जो होता है ये द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू त्वरण, त्वरण अब होता है मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसकी विमाएं देख लेते हैं, जैसे मीटर को लिखते हैं एल, लंबाई होता है उसका होल स्क्वायर, आयतन को लिखते हैं मीटर, मीटर यानी एल का क्यूब, किलोग्राम को एम होता है और अपन मीटर यानी एल का क्यूब, तो ये हो जाएगा एम एल, और ये एल क्यूब है ऊपर जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, या मीटर चार मीटर पर सेकेंड है तो लिखते हैं मीटर को एल बटे टी, तो ऊपर चला जाएगा एल टी, अब माइनस वन हो जाएगा क्योंकि टी पावर नीचे एक है, प्लस के ऊपर चला जाएगा माइनस का है। मीटर पर सेकेंड मीटर का लंबाई हो जाएगा बटे सेकेंड को टी लिखते हैं, और उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू, और ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। किलोग्राम को लिखते हैं एम, इसके बाद ये मीटर यानी एल हो जाएगा, और ये बटे में समय टी का स्क्वायर, अलग अलग ऐसे लिखते हैं, ये आ जाएगा एम एल और टी माइनस टू, जब एक साथ लिखते हैं तो एक ही ब्रैकेट का यूज करते हैं, टी हो गए व्युत्पन्न राशि। अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस वगैरह से बताते हैं। अब जैसे बात करते हैं दूरी क्या है, दूरी यानी डिस्टेंस,
डिस्टेंस क्या है? कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट, एक गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति ऐसे यहाँ पे आया, यहाँ गया, ये गया ऐसे, तो ये जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है, जैसे ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई। यानी क्या लिखेंगे, अगर टोटल डिस्टेंस है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये पूरी डिस्टेंस होगी जितनी भी प्रारंभिक से लेकर अंतिम बिंदु तक की जितनी भी दूरी तय की गई पूरी लंबी दूरी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। क्योंकि दूरी सदिश राशि है, ये हमेशा दूरी एक अदिश राशि है, हमेशा जुड़ती ही है और दूरी कभी निगेटिव नहीं होती। अब बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या है? अभी ये दूरी क्या थी? प्रारंभ किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु ऐसे गया, फिर इसके बाद ऐसे गया, अब इसके बाद जैसे ए बी सी, ये 90 डिग्री के एंगल में था। अब देखिए अगर यहाँ पे दूरी और विस्थापन का मात्रक तो सेम है, इसका भी मात्रक मीटर होगा, इसका भी मात्रक मीटर होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी इसकी हो जाएगी, यानी डिस्टेंस हो जाएगी ए बी प्लस बी सी ये, लेकिन विस्थापन में क्या है, न्यूनतम दूरी ली जाती है। अब न्यूनतम दूरी कैसे, अगर यहाँ से हमको यहाँ पे पहुँचना हो तो न्यूनतम पथ क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक न्यूनतम पथ की लंबाई को ये दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ तक की छोटी डिस्टेंस का मान लिया जाए कि अगर 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 5 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 + 3, 16 + 9 यानी 25, 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है 5, यानी 5 यूनिट हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। अब बात करते हैं चाल क्या है। वैसे चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हम उसे फार्मूले के हिसाब से भी हम डिराइव कर सकते हैं कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को, या प्रति एकांक समय में तय किए गए दूरी को हम चाल कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं वेग का। तो वेग क्या होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, दूरी ये वाली ली जाती है, और वेग क्या होता है, वेग वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब देखिए अगर जो ये विस्थापन क्या है, ये न्यूनतम पथ की लंबाई बटे टाइम कर देंगे तो वेग आ जाएगा, इसका विमात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु में जितनी भी पदार्थ की मात्रा उसमें संयोजित होती है या उसके अंदर होती है, या बोल सकते हैं जो, या कह सकते हैं मैटर कंटेंट जो होता है उसके अंदर, वो सारा का सारा द्रव्यमान के अंतर्गत है, यानी द्रव्यमान ही होता है। अब एक टर्म आता है भार। ये भार क्या है, भार जो होता है, द्रव्यमान तो उसके अंदर होता है किसी वस्तु, यानी जिससे वह वस्तु बनी है उसके अंदर कितना पदार्थ है वो द्रव्यमान होता है। भार क्या है, ये भार किसी वस्तु के द्वारा महसूस किया गया एक बल होता है, जो पृथ्वी अपनी किसी वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस बल को हम बोलते हैं भार। ये भार हमको महसूस होता है, यानी भार क्या होता है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे बोलते हैं भार। द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ प्लैनेट टू द ऑब्जेक्ट इन
अट्रैक्टिंग दियर सेंटर, ये टुवर्ड दियर सेंटर बोल सकते हैं उसे, भार। अब बात आती है बल क्या है। बल बराबर होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। जब किसी वस्तु पर हम कोई, ये बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इनटू त्वरण। बल दो प्रकार का होता है, पुल एंड पुश, खिंचाव बल और धक्का। तो हम बोल सकते हैं बल बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर परिवर्तन कर दे या वस्तु की शेप बदल दे, वस्तु का आकार बदल दे या आकार में परिवर्तन का करने का प्रयत्न करता है। जैसे मान लिया जाए कोई बॉल है, बॉल में अगर बल लगाएंगे तो वो या तो बॉल पे ऐसे दबाएंगे या खींचेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा उसकी शेप में, तो इसी को बोलते हैं बल। हो सकता है कि डिफॉर्मेशन ना हो सकता है कि उसमें ऐसा प्रयास हो रहा हो, वो सारा बल के अंतर्गत आता है। तो बल दो प्रकार का होता है, पुल एंड पुश, धक्का या खिंचाव बल। तो बल एक सदिश राशि है। आई होप आपको जो कुछ बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कॉन्सेप्ट, जैसे कि न्यूटन के गति विषयक नियम हो गए और उनके समीकरण हो गए, उसको डिस्कस करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।